हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं 3 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई, बिकॉज़ मेरा गला बैठ गया था कोल्ड होने की वजह से, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट डोंट वरी, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का कर्स चला गया था, बट वो कैसे गया, क्यों गया, उसका रीज़न विंग को नहीं पता था। जब ये बात ज़ेबोचुन को एंड लंजा को पता चला, तब उन लोगों को रिलीफ फील हुआ। अब नेक्स्ट कुछ दिन लंजा सिर्फ सो ही रहा था। वो सिर्फ कभी कभी उठता था खाना खाने के लिए एंड आईवन के बारे में पूछने के लिए, अदरवाइज़ वो सोता था। विंग भी लंजे के पास वाले रूम पे ही रेस्ट करता था ताकि ज़रूरत के टाइम पे लंजे उसे बुला सके। बट विंग अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा था, बिकॉज उसे हर नाइट नाइटमेयर आता है। उसे पहले सिर्फ अपनी मेमोरी को लेकर नाइटमेयर आता था, बट अब उसे लंजे की मेमोरी को लेकर भी नाइटमेयर आता है। एंड नाइटमेयर की वजह से वो सो नहीं पाता, वो कभी कभी चिल्लाता है, पैनिक हो जाता है, एंड वो नहीं चाहता कि ये चीज़ लंजा फील करे। आज भी विंग को नाइटमेयर आया था। उसके फर्स्ट नाइटमेयर में वो लंजा की मेमोरी देख रहा था, एंड सेकेंड नाइटमेयर में वो अपनी सीजियो को देख रहा था। अब वो सो नहीं पा रहा था, बिकॉज वो चिल्लाना नहीं चाहता, तो उसने गिव अप कर दिया एंड वो लंजा के रूम पे लंजा के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि लंजा भी पीसफुली सो रहा है। थैंक गॉड कि लंजा उसके नाइटमेयर की वजह से उठा नहीं। विंग भी लंजा के बेड के पास ही फ्लोर पे लेट गया। देन विंग सोने ही वाला था तभी लंजा ने कहा, विंग। ये सुन के विंग उठ गया। उसने कहा, हाँ लंजा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, सो जाओ, अभी मिड नाइट है। लंजा ने पूछा, तुम ग्राउंड पे क्यों सो रहे हो? ये सुन के विंग हेजिटेंट फील कर रहा था। देन उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए वरिड था एंड सो नहीं पा रहा था। अगर मैं तुम्हारे पास ही सो गया तो तुम मुझे जब भी बुलाओगे तब भी तुम मुझे पाओगे, ठीक है? ये सुन के लंजा ने कहा, ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं है लंजा, तुम रेस्ट करो। लंजा ने कहा, ये बोल के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो फिर से सो गया एंड विंग भी सो गया। अब नेक्स्ट डे विंग के बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा था फ्लोर पे सोने की वजह से। अब लंजा भी ठीक से खाना खा रहा था एंड सो भी रहा था। अब धीरे धीरे लंजा का बुखार बिल्कुल कम हो गया है, उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। हाँ, वो अभी वीक तो है एंड टायर्ड भी है, फिर भी बुखार एकदम कम हो गया है एंड यही विंग के लिए बहुत बड़ी बात है। अब कुछ दिन बाद डॉक्टर लान जियाओ लंजा के इंजुरीज़ को चेक कर रहे थे, लाइक प्रेस कर रहे थे एंड फील कर रहे थे उसे पेन हो रहा है या नहीं। बट उनके ऐसे प्रेस करने से लंजा को पेन हो रहा था एंड ये देख के विंग का मन कर रहा था कि वो डॉक्टर को अभी के अभी यहाँ से भगा दे। वहाँ पर ज़ेबोचुन भी थे, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था, वो अपने ही कपड़ों को जकड़ रहे थे। जब लंजा को बहुत पेन हो रहा था तब लंजा ने कहा, मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। बट डॉक्टर ने ये भी नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू एग्जामिन करते रहे एंड लंजा को पेन होता रहा। ये देख के विंग ने कहा, अब रुक जाइए। ये बोल के विंग ने अपने हाथों को लंजा के आर्म पे रखा। डॉक्टर का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो गया था तो वो फाइनली रुक गए। देन डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा पेन हील हो रहा है, अब तुम्हें उठकर बैठना चाहिए एंड कुशंस पर लीन्ड होना चाहिए। ये सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया। ये देख के डॉक्टर ने कहा, हैंगवाजुन, मैंने पहले ही कहा था आपसे भी एंड आप दोनों से भी, आप कंटिन्यू लेटे नहीं रह सकते, यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होगा, आपको हील होने के लिए उठकर बैठना होगा, आपको अपने आर्म्स को मूव करना होगा, प्रेशर नहीं देना है, जस्ट मूव करना है। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा उसका बुखार अभी भी कम हुआ है, 3 दिन पहले वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, उसे रेस्ट तो करने दीजिए। डॉक्टर ने कहा, रिनगोंगजा, अगर ऐसा चलता रहा तो वो स्ट्रांग नहीं होगा। इससे पहले विंग कुछ कहता था, डॉक्टर ने कहा, मेरे पास समझिए रेनगोंगजा। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, रेनगोंगजा प्लीज़ शांत हो जाइए, वांग जी तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये सुन के पहले लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ नोट किया। तभी विंग ने कहा, ठीक है लंजा, चलो अभी ट्राई करते हैं। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा, जैसे कि वो ये बोलना चाहता है कि सिर्फ विंग उसे हेल्प कर सकता है, डॉक्टर नहीं। जैसे कि डॉक्टर के टच से लंजा को कंफर्टेबल फील नहीं होता। लंजा के आईज देख के विंग को ये समझ में आ गया। विंग का मन कर रहा था कि वो सारे डॉक्टर्स को अभी कभी यहाँ से निकाल दे,
बट ऑफ कोर्स विंग अभी ऐसा नहीं कर सकता। तो फाइनली लंजा विंग की हेल्प से बैठने की कोशिश करने लगा। फाइनली बहुत पेन सहने के बाद लंजा विंग की बॉडी के ऊपर प्रेशर दे के बैठा। लंजा को बहुत पेन हो रहा था, उसका बॉडी का कंप्लीट प्रेशर विंग के ऊपर था, बट फिर भी लंजा को बहुत पेन हो रहा था, तो उसने अपनी आँखें बंद कर लिया। डॉक्टर ने लंजा के हार्ट बीट चेक किया तो डॉक्टर ने कहा, हैंगवांग जून, आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट है, आप स्लोली ब्रेथ लीजिए। ये देख के विंग ने कहा, लंजा तुम तो कांप रहे हो। ये बोल के विंग लंजे के आर्म को रब करने लगा। देन उसने कहा, तुम ठीक हो जाओगे लंजा, चिंता मत करो। लंजे ने अपने फेस को विंग के नेक पे रखा एंड देन उसने एक डीप ब्रेथ लिया। वो विंग के बॉडी के वार्मनेस को फील करने लगा एंड उसे अच्छा फील हो रहा था। बट लंजे और पेन नहीं सह पा रहा था तो लंजे ने बहुत ही पेनफुली कहा, मुझे लेटा दो। विंग ने वही किया। देन डॉक्टर्स ने लंजे को कुछ एडवाइस दिया एंड देन वो लोग वहाँ से निकल गए। अब रूम पे सिर्फ ज़ेबोचुन, विंग एंड लंजा थे। देन विंग लंजे के बॉडी में एक वेट कपड़े फेरने लगा बिकॉज लंजा बहुत स्वेटिंग कर रहा था एंड विंग को बहुत बुरा लग रहा था लंजा को ऐसे देख के। देन ज़ेबोचुन ने विंग को कहा, वे गोंगजा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ आईवन से मिलने, आई होप मैं उसे कल ही यहाँ पर लेकर आ पाऊँगा वांगजी से मिलने के लिए। विंग ने नोट किया। देन फाइनली ज़ेबोचुन भी वहाँ से चले गए। अब रूम पे सिर्फ विंग एंड लंजा थे। जब लंजा ने विंग का एंड ज़ेबोचुन का कन्वर्सेशन देखा, लंजा सोच रहा था वो दोनों इतना क्लोज कब आए, बिकॉज लंजा को पता था कि ज़ेबोचुन विंग को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। बट अब ज़ेबोचुन विंग के साथ अच्छे से बात कर रहे थे, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। बट एनीवेज लंजा थोड़ा रिलीफ फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि फाइनली ज़ेबोचुन विंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लंजा को पता है कि विंग आई भी कुछ ना कुछ छुपा रहा है। विंग आई भी अपने सिस्टर को लेकर बहुत ही सैड है, अपने आप को ब्लेम करता है एंड विंग ये सब बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। बट फिर भी लंजा उसे फील कर सकता है। लंजा भी अपने आप को ब्लेम करता है बिकॉज वो पिछले लाइफ में विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। जब लंजा ये सब सोच रहा था तब विंग ने कहा, अब तुम कैसा फील कर रहे हो लंजा, क्या अच्छा फील हो रहा है या फिर तुम्हें डिजी फील हो रहा है? लंजा ने कहा, मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मैं शायद जल्दी सो जाऊंगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने खाना भी खा लिया तो अब तुम सो सकते हो। लंजा ने कहा, ऐसे ही रहो मेरे पास। विंग ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर मैं ऐसे ही रहूँगा, तुम चिंता मत करो ओके। लंजा ने कहा, लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। बहुत टाइम बाद लंजा को इतना अच्छा फील हो रहा था विंग के पास। वो सिर्फ यही चाहता है कि विंग ऐसे ही हमेशा उसके साथ रहे, वो हमेशा ही उसके बालों को ऐसे स्ट्रोक करता रहे, वो ऐसे हमेशा उसके क्लोज रहे ताकि लंजा उसे फील कर सके। लंजा सिर्फ यही होप करता है कि विंग उससे टायर्ड ना हो। लंजा को पता है कि वो कभी भी विंग को खुद का नहीं बना सकता, विंग उससे प्यार नहीं करता, बट एटलीस्ट वो विंग का फ्रेंड बनना चाहता है। अब नेक्स्ट डे लंजा से मिलने आयुवन आया। आयुवन को देखकर लंजा बहुत खुश था एंड लंजा को देखकर आयुवन भी बहुत खुश था एंड उन दोनों को ऐसे देखकर विंग हैप्पी था। उन दोनों को ऐसे देख के ज़ेबोचुन को बहुत अच्छा लग रहा था। ज़ेबोचुन ने बहुत टाइम बाद विंग के फेस में एक रियल स्माइल देखा। ज़ेबोचुन को ये देख के अच्छा लग रहा था। तभी विंग ने कहा, सिचिंगा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? ज़ेबोचुन ने नोट किया। देन ज़ेबोचुन एंड विंग साइड में चले गए। ज़ेबोचुन ने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, क्या मैं लाइब्रेरी पवेलियन पे जा सकता हूँ? ज़ेबोचुन ने कहा, किस लिए? विंग ने कहा, रिसर्च करने के लिए। ज़ेबोचुन ने कहा, किस बात का रिसर्च? विंग ने कहा, लंजा हील हो रहा है बट उसे बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ रहा है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं इनफैक्ट स्पिरिचुअली भी। ज़ेबोचुन ने शाय किया और कहा, मुझे पता है। विंग ने कहा, तो इसलिए मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, हीलिंग प्रोसेस जानना चाहता हूँ ताकि मैं उसके स्ट्रेंथ को गेन करने में हेल्प कर सकूँ एंड उसके वुंड्स को भी हील कर सकूँ। ज़ेबोचुन ने कहा, बट क्या आपने वांगजी से इसके बारे में बात किया? विंग ने कहा, अभी तक तो नहीं बट आई थिंक वो मान जाएगा बिकॉज मैंने देखा है कि जब भी डॉक्टर्स उसे टच करते हैं उसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता है, बट जब भी मैं टच करता हूँ उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। ये सुन के ज़ेबोचुन ने नोट किया बिकॉज ज़ेबोचुन ने भी ये चीज़ नोटिस किया है। ज़ेबोचुन ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला एंड विंग के सामने रखा और कहा, ये लीजिए। ज़ेबोचुन ने अपने पॉकेट से एक टोकन निकाला था, जेड टोकन। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, जेड टोकन,
जेवुचुन ने कहा, हाँ इस टोकन से आप गुसू में एंटर भी कर सकते हैं एंड यहाँ से जा भी सकते हैं एंड इस टोकन से ही आप लाइब्रेरी पर भी जा सकते हैं। ये सुन के विंग ने हेजिटेंटली कहा, जेवुचुन थैंक यू सो मच, आई डोंट नो मैं आपके ट्रस्ट डिजर्व करता भी हूँ या नहीं। ये सुन के जेवुचुन ने विंग की तरफ देखा बिकॉज पिछले कुछ दिनों से जेवुचुन विंग को समझ गए हैं। तो जेवुचुन ने कहा, बस मुझे डिसअपॉइंट मत करना। विंग ने सैडली स्माइल किया एंड नोट किया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, आई प्रॉमिस मैं यहाँ पर लंच के लिए हूँ, वो जब तक चाहेगा मैं तब तक यहाँ पर रहूँगा एंड मैं रूल्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, आई मीन थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ बट ज़्यादा नहीं। ये सुन के जेवुचुन ने हंसा और कहा, बस मेरे अंकल के सामने रूल्स मत तोड़ना, वो कुछ दिनों में यहाँ पर वापस आ जाएंगे। विंग ने कहा, ओके। दिन विंग ने कहा, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने देखा है कि आपका अंकल एक बार भी लंजे के पास नहीं आया। जेवुचुन ने कहा, हाँ वो नहीं आए बट उन्हें डॉक्टर्स की मदद से वांगजी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये बोल के जेवुचुन सोच रहे थे, अंकल जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है वो ये दिखाते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जेवुचुन जानते हैं कि अंकल वांगजी को लेकर कितना वरीड है। वो ये दिखाते नहीं हैं बट वो है। थैंकफुली भूषण ने इसके आगे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने जेट टोकन लिया एंड वो उसे देखने लगा। जब वो दोनों फिर से लंजे के पास वापस आए उन लोगों ने देखा कि लंजे एंड आयुवन अभी भी खेल रहे हैं। रात को लंजे जल्दी सो गया था बट मिडनाइट को लंजे फिर से उठ गया था, तब विंग वहाँ पर ही था लंजे के पास। लंजे ने कहा, विंग। ये सुन के विंग लंजे के पास आया। विंग ने कहा, हाँ बोलो लंजा क्या बात है। लंजे ने कहा, विंग। ये सुन के विंग ने लंजे के हाथ को पकड़ा तो लंजे को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, जैसे कि लंजे को इतने टाइम से लग रहा था कि विंग एक ड्रीम है, विंग सच में यहाँ पर नहीं है, बट विंग के टच से लंजे को फील हुआ कि विंग सच में उसके पास ही है। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारे पास ही हूँ। लंजे ने कहा, विंग क्या आज आसमान पे तारे दिखाई दे रहे हैं। ये सुन के विंग ने विंडो के बाहर देखा और कहा, हाँ लंजा दिखाई दे रहा है। लंजे ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ। विंग ने कहा, तुम तारे देखना चाहते हो। लंजा ने कहा, ये सुन के विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा तो उसने कहा, ओके मैं बेट को विंडो के पास पुश कर सकता हूँ एंड तुम्हें टर्न भी कर दूंगा ताकि तुम स्टार्स देख सको। लंजा ने नोट किया। देन विंग ने बेट को विंडो के पास पुश किया एंड लंजा को टर्न किया। इससे लंजा को थोड़ा पेन तो फील हुआ पर उसने कुछ कहा नहीं एंड फाइनली लंजा ने विंडो के बाहर स्काई को देखा। आसमान में बहुत सारे तारे थे जो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे। विंग ने पूछा, लंजा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। लंजा ने कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ। ये सुन के विंग ने रूम के सारे कैंडल्स बुझा दिए ताकि लंजा और भी क्लियरली देख सके। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा, उसने देखा कि लंजा आसमान की तरफ देख रहा है एंड एक डीप ब्रेथ ले रहा है। लंजा के आंखों में आंसू है। ये देख के विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ लंजा के आर्म को स्ट्रोक करने लगा। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, वो सोच रहा था किसी ने भी इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। लंजा कितने महीनों से सिर्फ बेड पे है, लेटा हुआ है, वो जिंदगी से निकला तक नहीं है। लंजा ने कितने टाइम से स्काई नहीं देखा है, बाहर का नज़ारा नहीं देखा है, ये चीज़ कितना सैड है। और अब लंजा सिर्फ आसमान को देख रहा है, उसके तारे को देख रहा है एंड ब्लिंक कर रहा है। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। तारों को देखते हुए ही लंजा सो गया। स्लीपिंग लंजा को देखते हुए विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हें एवरी नाइट स्काई दिखाऊंगा एंड एवरी डे सन, तुम हर रोज़ सन देखोगे, ब्लू स्काई दिखोगे, पिंक सनराइजेस देखोगे, सनसेट्स देखोगे, तुम ट्रीज भी देखोगे एंड स्टॉर्म्स भी, तुम रेन को भी फील करोगे एंड इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ एंड जब तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें खुद कैरी करके बाहर लेकर जाऊँगा ताकि तुम सन को फेस कर सको। ये बोलते टाइम विंग लंजे के हेयर पे अपने हाथों को फैरने लगा। अब कुछ दिन बाद डॉक्टर फिर से लंजे की वुंड्स को चेक कर रहे थे एंड लंजे को बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर्स वुंड्स को चेक कर रहे थे एंड विंग को एक्सप्लेन भी कर रहे थे। डॉक्टर्स लंजे के बैक को पिंच कर रहे थे, पुश कर रहे थे, मसाज के बारे में बात कर रहे थे। इस तरफ लंजा बहुत पेन सह रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा क्या बहुत हो रहा है। लंजा ने कहा, नहीं मैं मैनेज कर रहा हूँ। देन डॉक्टर्स कंटिन्यू विंग को लंजे के वुंड्स के बारे में टीच करते रहे।
बट लंजक वैसे पेन में देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था डॉक्टर के ऊपर, बट फिर भी विंग ने कुछ कहा नहीं, बिकॉज अभी विंग को लंजक के वुंड्स के बारे में सीखना होगा, ताकि इन फ्यूचर विंग ही लंजक के वुंड्स को ट्रीट करे, ताकि उन लोगों को फ्यूचर में डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज लंजक सिर्फ विंग के टच से कंफर्टेबल फील करता है, किसी और के टच से नहीं। फाइनली सब कुछ सिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा, हैंग वांग जून, अभी रेन गोंगजा आपके वुंड्स को ट्रीट करेंगे मेरे सामने, आपको थोड़ा पेन फील हो सकता है, लंजक ने नोट किया। लंजक को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बिकॉज वो विंग पर बहुत ट्रस्ट करता है, उसे पता है कि विंग सब कुछ बहुत ही जेंटली करेगा। देन विंग ने धीरे धीरे लंजक के वुंड्स को ट्रीट किया। देन विंग ने पूछा, लंजा क्या तुम ठीक हो? लंजा ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा, आपने बहुत ही अच्छा किया है रेन गोंगजा, बट आपको ये सब याद रहेगा ना? विंग ने कहा, हाँ। देन डॉक्टर्स ने कहा, हैंग वांग जून, अब आप धीरे धीरे बैठ सकते हैं ना? लंजा ने कहा, देन डॉक्टर ने कहा, देन मैं आपको कुछ ऐसा बोलूँगा जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर लंजा ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, अभी आपको आपके बैक के ऊपर लीन ढोकर बैठना है। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसका बैक ही तो इंजर्ड है ना? डॉक्टर ने कहा, आपको बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होगा, पेनफुल फील होगा, पर फिर भी आपको ये करना होगा। लंजा ने कहा, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाद में भी कर सकते हो। लंजा ने कहा, नहीं विंग मैं कोशिश करूँगा। तो विंग ने नोट किया। देन विंग ने लंजा को ये करने में हेल्प किया, उसने धीरे धीरे लंजा को कुशन के ऊपर लींट किया। लंजा को थोड़ा पेन फील हुआ तो डॉक्टर ने कहा, हैंग वांग जून इसे सह लीजिए, आपको पेन फील होगा बट आपको ये करना होगा। बट लंजा को बहुत पेन फील हो रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा अगर तुम्हें बहुत पेन हो रहा है तो तुम बता सकते हो, ठीक है? ये सुनकर लंजा ने सिर्फ विंग की तरफ देखा। विंग के फेस देख के पता चल रहा था कि वो कितना वॉरीड है। लंजा ने कहा, मैं मैनेज कर रहा हूँ विंग। देन फाइनली लंजा कंप्लीटली लीन होकर बैठ गया। देन डॉक्टर ने कहा, बट अपने आप को फोर्स मत करना, जब आपको बहुत ही पेन होगा तब आप लेट जाना, ठीक है? लंजा ने नोट किया। देन वो डॉक्टर वहाँ से चली गई। डॉक्टर के जाते ही विंग ने कहा, लंजा अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए तो तुम मेरे ऊपर लीन हो सकते हो। एंड लंजा को सच में बहुत पेन हो रहा था तो उसने फाइनली हार मान लिया एंड वो विंग पर लीन हो गया। दिन कुछ टाइम बाद जब वहाँ पर जेबुचुन आए, वो लंजा को देखकर शॉक्ड हो गए, वो वहाँ पर ही फ्रीज हो गए। उन्होंने कहा, वांग जी, बिकॉज लंजा आए भी बेड के ऊपर बैठा हुआ था लीन होकर। जेबुचुन को देखकर विंग ने एक टायर्ड नोट किया। जेबुचुन लंजा के पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसे देख के अच्छा लगा वांग जी। लंजा ने भी नोट किया। दिन वो लोग एक साथ चाय पीने लगे। दिन विंग ने कहा, लंजा तुम बहुत टाइम से ऐसे ही बैठे हो, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। लंजा ने कहा, थोड़ी देर और। विंग ने कहा, लंजा कम ऑन तुम बहुत टायर्ड हो, अभी रेस्ट कर लो। ये सुनकर फाइनली लंजा ने नोट किया एंड विंग ने लंजा को बेड पे लेटा दिया। देन कुछ टाइम बाद जेबुचुन ने कहा, वांग जी अंकिल वापस आ गए हैं। ये सुनकर लंजा ने जेबुचुन की तरफ देखा। जेबुचुन ने कहा, उन्होंने तुम्हारे बारे में भी पूछा, मैंने उन्हें कहा कि तुम अभी ठीक हो एंड रेन गोंगजा अभी यहाँ का गेस्ट है एंड आई डोंट थिंक कि उन्हें अभी भी तुम्हारे ऊपर डाउट हुआ है। ये सुनकर विंग ने कहा, बट आपको झूठ बोलना पड़ा। ये सुनकर जेबुचुन ने स्माइल किया तो लंजा ने कहा, हम ऑलरेडी गुसु में सबसे झूठ ही बोल रहे हैं। जेबुचुन ने स्माइल करते हुए कहा, ये सब वॉरीज मेरे ऊपर छोड़ दो। वांग जी तुम्हारे रिकवरी हो जाने के बाद हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लंजा ने नोट किया। दिल लंजा ने पूछा, क्या अंकिल यहाँ पर आना चाहेंगे? जेबुचुन ने कहा, आई थिंक वो बहुत जल्दी यहाँ पर आएंगे, वो तुम्हारे बुखार के बारे में सुनकर बहुत ही वॉरीड हो गए थे एंड जब मैंने उन्हें बताया कि तुम अभी ठीक हो तब उन्हें रिलीफ फील हुआ। ये सुनकर लंजा ने कहा, उन्हें बता दीजिएगा कि उन्हें वॉरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा। जेबुचुन ने नोट किया। दिन जेबुचुन ने विंग की तरफ देखा जो लंजा के पास ही बैठा हुआ था। जेबुचुन सोच रहे थे, विंग लंजा की इतना केयर कर रहा है, उसका इतना ख्याल रख रहा है, क्या उसके मन में वांगजी के लिए फीलिंग्स चेंज हो रहा है? क्या आप वो दोनों फाइनली क्लोज आएंगे? जब जेबुचुन ये सब सोच रहे थे तब विंग उसे कुछ कह रहा था, पर जेबुचुन अपने थॉट्स में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो विंग ने कहा, जेबुचुन। फाइनली जेबुचुन अपने सेंस में वापस आए। जेबुचुन ने कहा, हाँ बोलिए।
विंग ने कहा। मैंने कहा कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, अभी तो लंजा सो गया है, बट अगर लंजा उठ गया तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ज़ेबुजुन ने कहा, ठीक है मैं तब तक यहाँ पर ही बैठता हूँ। विंग ने नोट किया। देन फाइनली विंग वहाँ से चला गया लाइब्रेरी के लिए। देन विंग लाइब्रेरी से कुछ बुक्स जिंगशी में लेकर आया, तब तक लंच उठ चुका था एंड ज़ेबुजुन भी रूम से चले गए। देन आयोन को भी लंच के पास लाया गया। विंग जिंगशी में बैठकर ही बुक्स पढ़ रहा था, बट रियल बात तो यह है कि विंग के सामने बुक्स ओपन तो थे पर उसका नज़र लंच के ऊपर था, जो आयोन के साथ बेड पर बैठकर चिल्ड्रंस के स्टोरी बुक पढ़ रहा था। विंग सिर्फ उन दोनों के ही देख रहा था। उसे लंजा को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। 3 दिनों में ही लंजा इतना स्ट्रेंथ गेन कर चुका है, अब वो खुद से बैठ पा रहा है, वो भी विंग के हेल्प के बिना। लंजा को ऐसे देख के डॉक्टर्स भी बहुत ही हैप्पी थे। अब लंजा उनकी बात भी सुन रहा है, अब लंजा का स्ट्रेंथ, उसका मसल गेन हो रहा है, लंजा ठीक से खाना भी खा रहा है, इनफैक्ट वो डबल खाना खा रहा है, इनफैक्ट लंजा कभी कभी एक्स्ट्रा खाना भी खाता है। ये देख के विंग लंजा को हैप्पीली टीस करता है, उसे अच्छा लगता है लंजा को टीस करते हुए। इनफैक्ट विंग ने तो लंजा को ये भी ऑफर किया है कि अगर लंजा को कहीं भी मिडनाइट को भूख लगा तो विंग लंजा के लिए छुपके से किचन में चला जाएगा एंड खाना लेकर आएगा। ये सुनकर लंजा ने स्माइल भी किया था, जिसे देख के विंग का हार्ट मेल्ट हो गया था। विंग ये सब सोचते हुए बुक्स पढ़ रहा था एंड उसे याद आ रहा था कि ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है वो यहाँ पर आया है, बट ये कितना स्ट्रेंज है, ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है एंड विंग को पता भी नहीं चला। विंग को ये भी लगता है कि सब कुछ कल ही हुआ है, उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऑलरेडी 1 महीने हो चुका है। उसने इस 1 महीने में कितना कुछ देखा, लंजा का टीयर्स, आई वन रिसेंटफुल एनर्जी लंजा के बॉडी में, कर्स, लंजा का बुखार, एम्पैथी एंड लंजा का बहुत स्लो रिकवरी। इन 1 महीने में कितना कुछ हो गया है जो एक्चुअली टू मच था। अगर 1 महीने में इतना कुछ हो सकता है तो विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। दिन विंग को यांगमिंग की याद आ गया। वो सोच रहा था अभी जियांगचंग कैसा होगा, क्या कर रहा होगा एंड जिनलिंग वो कैसा होगा। काश वो उन लोगों को एक बार देख पाता, एक बार जान पाता कि वो लोग कैसे हैं। विंग उन्हें दूर से ही देखना चाहता है बिकॉज उसे पता है कि वो कहीं भी उन लोगों को फेस नहीं कर सकेगा, बिकॉज जियांगचंग ने एंड जिनलिंग ने सिर्फ उसके लिए ही अपनी फैमिली को खोया है। ये सोचते हुए विंग का हाथ पैर कांप रहा था, उसके हाथों से बुक्स गिरने ही वाले थे पर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने फाइनली बुक्स को नीचे रखा एंड लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा को एंड आयोन को ऐसे खेलते हुए देखकर विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।